हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीपी कुमार और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीपी मेंटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिकल्स के बारे में। इंडस्ट्री में मटेरियल लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के लिए आई कई प्रकार के सिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन के अनुसार अलग अलग टाइप के सिकल्स का उपयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिकल्स के टाइप और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई जानकारी मिस ना हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेकल का टाइप है बो सेकल। बो सेकल का शेप अंग्रेजी के ओ अक्षर के जैसे होता है। बो सेकल एंकर सेकल के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है और बो सेकल का जो बो एरिया बड़ा होने के कारण यह अलग अलग डायरेक्शन में लोड ले सकता है, जिससे इसमें कोई अलग से साइड लोड डेवलप नहीं होता। और बो सेकल या एंकर सेकल लार्ज लूप शेप होने के कारण इसका ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है। अगला सेकल का टाइप है डी सेकल। चैन सेकल को ही हम डी सेकल के नाम से जानते हैं। इसका शेप अंग्रेजी के डी अक्षर के जैसे होता है। डी सेकल बो सेकल या एंकर सेकल के मुकाबले साइज में छोटा होता है। इसमें जनरली थ्रेडेड पिन लगा होता है। इसमें लूप का डिजाइन छोटा होता है, जिससे यह ज्यादा लोड सहन कर सकता है। इसमें साइड और रेकिंग लोड आने से सेकल बेंड या ट्विस्ट हो सकता है। और यह सेकल गैल्वेनाइज्ड मेटल और स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसमें अलग अलग डिजाइन के पिन लगा सकते हैं। अगला सेकल का टाइप है ग्रीन पिन सेकल। ग्रीन पिन सेकल वो सेकल ही है जिसमें पिन का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, जिससे इसे हाइट वाले जॉब में इसे आसानी से देखा जा सके। इस प्रकार के सेकल वायर रोपलिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं और इस प्रकार के सेकल में डबल सेफ्टी होती है। पहला इसमें होता है स्प्लिट पिन और दूसरा होता है सेफ्टी बोल्ट, जिससे पिन लूज होकर बाहर ना निकल सके। और ग्रीन पिन वो सेकल वन लेग या मल्टी लेग जो सिस्टम है उसमें दोनों के लिए यह सुटेबल है। अगला सेकल का टाइप है सेफ्टी पिन सेकल। इसका डिजाइन मैक्सिमम सिक्योरिटी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सेकल में नट और बोल्ट के साथ एक सेफ्टी पिन भी लगा होता है, जिससे स्टेबिलिटी और एश्योरेंस ज़्यादा मिल सके। बहुत सारे जो लिफ्टिंग फर्म के द्वारा इस प्रकार के सेकल का इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है। अगला सेकल का टाइप है स्क्रू पिन सेकल। इसका इस्तेमाल पहले टेम्पररी एप्लीकेशन के लिए किया जाता था। इस प्रकार का सेकल का उपयोग वहाँ पर ज़्यादा लाभकारी होता है जहाँ पर बार बार निकालना या लगाना पड़ता है। जब स्क्रू पिन का उपयोग किया जाता है, उस समय पिन को उपयोग करने से पहले चेक करना जरूरी होता है। ऐसा जब जहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, ऐसे जगह में वायर वॉशिंग का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे पिन अपनी जगह से बाहर ना निकल पाए। अगला सेकल का टाइप है स्टेनलेस स्टील सेकल। लॉन्ग लास्टिंग स्टेनलेस स्टील सेकल का उपयोग बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन में प्रयोग करने के लिए किया जाता है, जैसे सेलिंग में फास्टनिंग मैकेनिज्म हो या इंडस्ट्रियल रिगिंग जॉब के लिए। यह सेकल का उपयोग करना बहुत ही आसान होता है और यह सेकल बहुत ज़्यादा रिलायबल भी होता है। यह सेकल स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। अगला सेकल का टाइप है पाइलिंग सेकल। पाइलिंग सेकल जिस सेकल के जैसे ही होता है, मगर इसका जो लंबाई होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पाइलिंग सेकल का उपयोग ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट में किया जाता है, जहाँ पर ग्राउंड लेवल को स्टेबलाइज करने के लिए पाइलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला सेकल का टाइप है स्नैप सेकल। स्नैप सेकल का डिज़ाइन स्प्रिंग एक्टिवेटेड मैकेनिज्म के साथ किया जाता है, जिसके कारण इसे बहुत जल्दी और केवल एक हाथ से उपयोग किया जा सकता है। यह ऐसे जॉब के लिए एक्सेलेंट है जहाँ पर स्पीड बहुत जरूरी होता है या जहाँ पर बार बार कनेक्शन या डिसकनेक्शन की आवश्यकता होती है। स्नैप सेकल का इस्तेमाल ज़्यादातर हैवी ड्यूटी जॉब में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका वर्किंग लोड लिमिट पिन टाइप या बोल्ट टाइप जो सेकल होते हैं उसके मुकाबले बहुत कम होता है। इसके चार प्रकार होते हैं, स्वीवल आई, स्वीवल जा और फिक्स स्नैप और रोप स्नैप। अगला सेकल का टाइप है हेडबोर्ड सेकल। इस प्रकार के सेकल में केफ्टी पिन सेल्फ लॉकिंग फीचर के साथ लगा होता है, जिससे पिन बाहर ना निकल सके। और यह जो सेकल होता है वो डी सेकल का ही लंबा स्वरूप होता है। इसमें पिन सेकल बॉडी का जो है इंटीग्रल पार्ट होता है, जिससे ये बाहर नहीं निकाला जा सकता और न ही यह बाहर गिरता है।
यह स्टेनलेस स्टील ग्रेड 316 से बना होता है और यह कोरोजन रेजिस्टेंस और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। अगला सेकल का टाइप है ट्विस्ट सेकल। ट्विस्ट सेकल की लंबाई एवरेज लंबाई से ज़्यादा होती है और यह टॉप में 90 डिग्री पे ट्विस्ट होता है। इसका उपयोग जिब हेलियार्ड को मास्ट के साथ अटैच करने या सेल में जिब हेलियार्ड को अटैच करने के लिए किया जाता है। ऐसा करने से लफ में ट्विस्ट नहीं होता और जो सेल है उसको अच्छी तरह से सेट होने में मदद मिलता है। अगला सेकल का टाइप है कैराबिनर सेकल। कैराबिनर सेकल में एक मेटल लूप के साथ स्प्रिंग लोडेड गेट लगा होता है जिससे कनेक्टेड कंपोनेंट्स को आसानी से लगाया निकाला जा सकता है। इस प्रकार के कंपोनेंट का इस्तेमाल क्लाइंबिंग में, कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस वर्क में, रोप रेस्क्यू में, सेलिंग में और हॉट एयर बेलोनिंग में किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि सेकल्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसका मेन पार्ट होता है क्राउन और ये होता है शोल्डर और पिन हेड। ये वाला जो पोर्शन होता है जा बोलते हैं, इसको ईयर बोलते हैं। ये बीच वाला जो पोर्शन है ये पिन हो गया और ये वाला जो खाली वाला पोर्शन है इसे हम क्लीयरेंस बोलते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो सेकल उसका चेक पॉइंट क्या क्या होता है। इसका जो चेक पॉइंट होता है यहाँ पे पहले सबसे पहले देखना है कि जो सेकल का बॉडी में यहाँ पे कोई वियर या टियर तो नहीं हुआ है। दूसरा हमें देखना है जो सेफ्टी पिन जो होता है वो सही तरीके से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। उसके बाद हमें देखना है जो पिन है पिन का कंडीशन कैसा है, इसमें वियर या टियर तो नहीं है। उसके बाद ये जो हमारा जो सेकल का जो बॉडी है उसे देखना है कि इसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं आया है। आशा करता हूँ आपको सेकल्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आप 1% भी काम कर लेंगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तथा फैमिली मेंबर्स को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी ले सकें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।